तो जहां दोस्तों आर एंड को लेकर एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। यहाँ दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो क्या है दोस्तों, यह वीडियो बहुत छोटा है पर देखना बहुत जरूरी है। जिन लोगों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ था, तो यदि आपने उसका कारण जान लिया है कि मेरा फॉर्म किस लिए कैसे क्यों रिजेक्ट हुआ, आपको कारण पता चल गया होगा, तो भाई ये भी अपडेट में आ रहा है। जिनका भी जो है रिजेक्ट हुआ था और लोग फिर से जो है अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अपडेट में आ रही है। दोस्तों जो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा जिसकी वजह से, वो सही करवा के फिर से जो है अप्लाई आप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारा सब कुछ सही है तभी अप्लाई करिएगा, अन्यथा ना करिएगा। जब तक आपका जो भी समस्या सही नहीं हो जाती है तब तक आप अप्लाई ना करिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना बताना था कि भाई आप लोग दोबारा से जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, तो भाई इतना मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिनका भी डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है वो जो है क्लेम ना करें, क्योंकि उनका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। यदि आप अपना फॉर्म को रिजेक्ट न होने दें तो इससे पहले आप जो है अपने सारा डॉक्यूमेंट को तैयार रखें और सही करके रखें। जो भी समस्या है, जो भी दिक्कतें हैं, गड़बड़ियां हैं, सबसे पहले उसे सही करवा लें, तभी जो है आप क्लेम करें। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि समय से जो है आपको पता चले। भाई इतना बताना था कि आप जो है फिर से जो है क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों पे मैसेज भी आ रहे हैं, तो भाई जिनके में मैसेज आ चुका है, तो आपको लगता है कि हमारा क्लेम किए हुए एक महीने से ऊपर हो गए हैं, तो आप जो है इसका स्टेटस जो है डाउनलोड करके देख सकते हैं। जमाकर्ता लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, वहां से स्टेटस जो है डाउनलोड कर लेना है। उस स्टेटस में आपको पता चलेगा क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं, किसकी वजह से जो है मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो भाई ये सब जानना बहुत जरूरी है। लोग सही चीजें नहीं देखना चाहते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज रहती है उसे लोग देखना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूंगा, भाई आप लोग देखिए जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है, देखने के बाद आपको क्लियरिटी पता चल जाएगा एक ही बार में, उसके बाद आपसे गलती नहीं होगी। तो भाई जो भी है मैंने आपको बता दिया है, चलते हैं अगली वीडियो, मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।